ST Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories, near old OT office, Mahbub Nagar. Assalamu alaikum nazreen, main hoon Mohammad Abdul Waqid, aap dekh rahe hain Mandy News. बायतुल खैर फाउंडेशन महबूब नगर और एमएनटी न्यूज की जानिब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के हाथों महबूब नगर के 300 गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रियासती वजीर ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है और आवाम से अपील की कि वो घरों में रहें और लॉकडाउन पर अमल करें। इस मौके पर रियासती वजीर ने बायतुल खैर फाउंडेशन की सताइश की और आवाम की खिदमत करने नौजवानों को आगे आने की अपील की। इस मौके पर बैतुल खैर फाउंडेशन के सदर तखी ने बात करते हुए कहा कि बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से लॉकडाउन के पहले दिन से गरीबों में तरकारी और राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं और इन्होंने अहले खैर हजरात से अपील की कि वो गरीबों की मदद करने आगे आए। इस मौके पर जीशान, वसे, इम्तियाज, अयाज और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सब जानते हैं 22 मार्च जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से बैतुल खैर फाउंडेशन की तरफ से गुरबा व मसाकीन में जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं उनमें तरकारी तकसीम की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान, माह रमज़ान के मद्देनज़र रखते हुए गुरबा ख़ासकर हमारी बेवा बहनों में राशन की तकसीम अभी की गई है। जनाब हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के हाथों रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किया गया है अभी और इंशाल्लाह आगे भी हमारा और पैकेजेस है जो हम इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जो बैतुल खैर फाउंडेशन को ताउन करे हैं और मैं हमारी बैतुल खैर फाउंडेशन की सारी टीम का शुक्रगुजार हूं जो आप लोग सब बैतुल खैर फाउंडेशन को साथ दे रहे हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा जो हजरात जितने भी गुरबा व मसाकीन हैं, जो भी साहब इस्तेताअत हजरात है, वो आगे बढ़ चढ़ के बैतुल खैर फाउंडेशन का और गुरबा का ताउन कीजिए, वो लोग की मदद कीजिए ताकि हम और भी लोगों में राशन तकसीम कर सकें। और मैं आपको बताता चलूँ, ये बैतुल खैर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से गुरबा व मसाकीन में कौम के मसले मसाइल और इंसानियत के मसले मसाइल पर काम कर रहा है और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इनफरादी करीब 15 साल हो चुके हैं जो ये काम अंजाम दे रहे हैं और अभी 5 साल से बैतुल खैर फाउंडेशन के नाम से हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग बैतुल खैर फाउंडेशन को साथ दीजिए, बैतुल खैर फाउंडेशन का ताउन कीजिए। और मैं ख़ासकर शुक्रगुजार हूं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का, जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब का, जो कोरोना वायरस के मद्देनज़र महबूब नगर में काफ़ी मेहनत करते हुए हर वार्ड को फिरते हुए घूमते हुए सैनिटाइजिंग करना और जो भी मसले मसाहल है उसमें काम करना बहुत सही तरीके से, मैं समझता हूँ कोई भी शायद ही कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर होगा जो इस तरह का काम अंजाम दे रहा है। और साथ ही साथ मैं पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे कलेक्टर साहब का और म्यूनसिपल अमला जो भी है मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शताब्दी टाउनशिप की एक और नई पेशकश सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड लग्जरी गेटेड कम्युनिटी के शंपेट डीटीसीपी अप्रूव लेआउट के साथ 500 फीट रीजनल रिंग रोड से लगा हुआ माचरला फार्मासिटी के करीब तमाम डेवलपमेंट्स के साथ 3700 में 1 गज 147 गज के प्लॉट्स भी दस्तियाब हैं। सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाइए और सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाइए।